चलो अब शुरू कर रहे हैं। कल वाले टॉपिक में हम एन्यूटी की बात कर रहे थे, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक मैंने बताया था। अब उसी चीज़ को आगे डिटेल में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो कल सीखा वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं एक बार फिर से आपको बेसिक रिलेशन बता देता हूँ उसका। ये फ्यूचर वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली ये सब क्या होता है। ज़्यादा कुछ होमवर्क मैंने दिया नहीं था बिकॉज इतना डिस्कशन हुआ नहीं था। आज जो हम कंटेंट देखेंगे उसके बेसिस पे आपको और सम्स करने को मिलेंगे। टॉपिक पे आ जाते हैं एक बार। एन्यूटी की बात हो रही थी। एन्यूटी में मैंने सिंपल इतना बताया कि एन्यूटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। इक्वल टाइम गैप पे इक्वल अमाउंट ऑफ मनी या तो पे किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज इंस्टॉलमेंट। जैसे तीन एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आप थर्ड एग्जाम्पल देखोगे तो इट इज अ परफेक्ट केस ऑफ एन्यूटी, जहाँ पर टाइम गैप एक एक साल का है हर पेमेंट में और पेमेंट का अमाउंट भी इक्वल है, 5-5 हज़ार है एवरी ईयर। तो दैट इज अ परफेक्ट एन्यूटी इंस्टॉलमेंट, जैसे बैंक का ईएमआई आप पे करते हो वैसा। सबसे कॉमन एग्जाम्पल वही था। अच्छा, एन्यूटी के टाइप्स मैंने बताए थे रेगुलर एंड ड्यू। एन्यूटी रेगुलर मतलब जब आपका ईएमआई अगले महीने से शुरू होगा तो उसको बोलते हैं एन्यूटी रेगुलर, जिसमें एक्चुअली में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है, उसमें बैंक वालों का बेनिफिट है, इसलिए वो ये सिस्टम रखते हैं। एन्यूटी ड्यू तब होगा जब आपसे आज ही के दिन पहला इंस्टॉलमेंट मांगा जाए, जबकि ऐसा प्रैक्टिस में नहीं होता। जनरली वो बोलते हैं सर नेक्स्ट मंथ से पे कर, उनका सिस्टम ही वही रहता। तो एन्यूटी रेगुलर, एन्यूटी ड्यू। फिर हमने इसके बाद बात की थी फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू की। मैंने एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया और ये बताया कि सपोज आज आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा करते हो 12% इंटरेस्ट रेट पे 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद वो हो जाते हैं 3 लाख रुपए। तो ये आज की वैल्यू का फ्यूचर में क्या अमाउंट बनेगा, इसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। आज के पैसों की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे कितनी बन जाएगी, दैट इज अ फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, अब सवाल पूछने का तरीका बदल देता हूँ। मैं बोलता हूँ आज मुझे कुछ एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है बैंक में, ताकि 10 साल के बाद 12% ब्याज के साथ मुझे 3 लाख रुपए मिल जाए, कितना इन्वेस्ट करूँ? तो जवाब आएगा 1 लाख रुपए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल सा कंसेप्ट है जो ये आपके सामने, इतना मैंने बताया था। अब मैं इन्हीं चीज़ों में आगे और वैल्यू एडिशन करने जा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम सीखेंगे, देख लेते हैं वो क्या है। मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद इनका जो फॉर्मूला है वो भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो ऐसा कुछ है, जब हम फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को एन्यूटी के साथ मिक्स करते हैं तो पता चलता है कि फ्यूचर वैल्यू के केस में तीन केस बनते हैं। पहला केस होता है उसको बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो या वन टाइम कैश फ्लो, जो भी आप बोलो, वन टाइम कैश फ्लो मतलब एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया एंड देन बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, सीधा मेच्योरिटी पे अमाउंट आपको साथ में मिलेगा। तो उसमें हम कल जो एग्जाम्पल देख रहे थे, अभी जो मैंने बताया वही हो गया ना, 1 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट कर दिए और 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए और हर साल 12% ब्याज उसमें एड ऑन होता जाएगा। तो वन टाइम कैश फ्लो में आपको एन्यूटी वाला कोई पॉइंट नहीं मिलेगा कि रेगुलर इंटरवल्स पे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, वैसा कुछ नहीं। तो इसमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, उसमें कुछ नया नहीं था, इतना हमने देखा। आप इसको नाम दे दो फ्यूचर वैल्यू, बाकी फॉर्मूला आपका सेम ही रहने वाला है। तो इतनी बात हुई थी। अब आज मैं कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सेकेंड टर्म है, इसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। अब यहाँ पे एन्यूटी रेगुलर और फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट एक साथ मर्ज हो रहा है। वॉट इज एग्जैक्टली एन्यूटी रेगुलर, समझ लेते हैं। वो हमने बात की थी कि जब भी अमाउंट पे हो रहा है या रिसीव हो रहा है, इट इज एट द एंड ऑफ द टर्म। आप ऐसा समझ लो, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल कि आपने एक एसआईपी स्टार्ट किया, म्यूचुअल फंड, पता है म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर महीने या हर क्वार्टर में या हर साल अपनी सेविंग्स का थोड़ा थोड़ा पैसा आपने इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, आपके पैसों से अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं एंड देन वो शेयर्स की वैल्यू जैसे जैसे ऊपर नीचे होती है, आपके म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू प्लस माइनस होती है, दैट इज अ बेसिक पार्ट। तो सपोज ऐसा है, अपने एक स्कीम बनाते हैं इसके लिए कि हर साल के एंड पे, क्योंकि एन्यूटी रेगुलर है तो एंड ऑफ द ईयर इज इम्प्लाइड, हर साल के एंड पे आप
कुछ पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो इन म्यूचुअल फंड्स या SIP, तो मैं उसके लिए लिख देता हूँ कैश फ्लो। एवरी ईयर जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लेट दैट अमाउंट बी 10,000 रुपीज पर ईयर, हर साल 10,000 रुपये। एंड आपको पता है कि एन्यूटी तभी बोल सकते हैं जब कैश का अमाउंट इक्वल हो और टाइम गैप भी इक्वल होना चाहिए, तो ये हो रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 10-10 हज़ार हर साल में सबमिट करता जा रहा हूँ, SIP में पे करता जा रहा हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है, दैट रेट इज सपोज 12%, ठीक है, पर एन। तो इस हिसाब से 5 साल बाद मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे, ये सवाल है कि भाई 10-10 हज़ार हर साल भरे तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 50,000। तो इस 50,000 की वैल्यू इन फ्यूचर अलोंग विथ इंटरेस्ट 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी। इन बिटवीन मैं कोई विड्रॉल नहीं करने वाला हूँ, बस हर साल के एंड पे 10,000 रुपये जमा कर दूंगा और उस पर एवरेज इतना रेट कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, बट एवरेज 12% पर एनम रहेगा, ऐसा आपने मान सकते। तो मुझे इस 50,000 की फ्यूचर वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो आप समझ। मैं डायरेक्टली ये नहीं कर सकता कि इस 50,000 के ऊपर सीधा सीधा ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया और कैलकुलेट कर दिया, ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि पेमेंट एक बार नहीं हुआ, पेमेंट बार बार हुआ, ये चीज़ आपको समझनी है। अब इसको देखो कैसे इसको समझेंगे। जो फर्स्ट 10,000 पे किया है, अब मैं आपको ना इसको टाइमलाइन से समझाता हूँ, फिर इस स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। ये कुछ टाइमलाइन बनी हुई है, जैसे यहाँ पे 0 ईयर, ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5, ये ड्यूरेशन अपने ले लेते हैं। हम आज 0 पॉइंट पे खड़े हैं, दिस इज टुडे। हम इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं कि अब से हर साल के एंड में हम 10-10 हज़ार रुपये SIP में इन्वेस्ट करेंगे। आप ये देखो पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, 10,000 का, यहाँ पे, आज से 1 साल के बाद। आज तो हम 0 पॉइंट में, आज कोई इन्वेस्ट हम कर नहीं रहे, हम इन्वेस्टमेंट कब से कर रहे हैं, 1 साल के बाद से। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे 10,000 रुपये में इन्वेस्ट करूंगा, अगले 10,000 में सेकेंड ईयर के एंड पे इन्वेस्ट करूंगा, तीसरे 10,000 यहाँ पे, उसके बाद अगेन 10,000 फोर्थ ईयर में, और आखिरी वाले 10,000 यहाँ। ये मेरा इन्वेस्टमेंट का ग्राफ, कौन सी डेट पे मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ ये आपके सामने। अच्छा, अब मुझे ये पता करना है कि जो 10-10 हज़ार करके मैंने टोटल 50,000 इन्वेस्ट किए, उसकी वैल्यू अलॉन्ग विद 12% इंटरेस्ट, ये लास्ट दिन पे कितनी होगी, आखिरी दिन पे कितनी वैल्यू होगी, ये मुझे पता करना है। अब आप देखो, आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा कि भाई ये 10,000 रुपये जो हमने इन्वेस्ट किए इस पे हमें कितने साल तक का इंटरेस्ट मिलेगा, वो पता चल रहा है। फर्स्ट 10,000 पे कितने साल का ब्याज मिलेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ आइडिया आ रहा है, आप बता सकते हो, ट्राई करो। 5 साल 5 साल, ठीक है। और कोई आंसर किसी का, अलग भी हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला कि सही है आंसर, आप अपना अपना आंसर बताओ। सब 5 साल ही बोल रहे। ये 10,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और यहाँ तक पैसा पर 4 ईयर इन्वेस्टेड रहने वाला है, 4 ईयर्स, ठीक है। और कोई आंसर किसी का, 1 ईयर, सर नो एंट्री नो इंटरेस्ट, ठीक है। और कुछ नहीं चारू, तुम्हारा क्या आंसर है? फर्स्ट पे नो इंटरेस्ट सर फर्स्ट पे तो अच्छा कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, अब आप इसको विड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो इसके बीच में कुछ इंटरेस्ट मिलेगा क्या एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, ऐसा पूछ रहा हूँ। 4 साल 4 साल, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? हर्ष, तुम्हारा आंसर? सर मैंने बोला ना 4 ईयर 4 ईयर्स, अच्छा ठीक है, सही है आंसर। वैसे 4 ईयर्स होना चाहिए, 5 ईयर्स नहीं होगा, उसका रीजन समझ। ये 10,000 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए ना, देखो इसके बाद कितने साल बचे, 1, 2, 3 और 4, है ना। फर्स्ट ईयर के एंड में आपने इन्वेस्ट किया ना, तो फर्स्ट ईयर का तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, लॉजिकल है, इसलिए मैंने टाइमलाइन बनाया कि आपको ये चीज रिलेट हो जाए। तो ये जो पहला 10,000 है इस पर 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा 12% के हिसाब से, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो ये फर्स्ट 10,000 की, तो मुझे वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू 10,000 इंटू 1.12 रेज टू 4।
आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे मुझे सिर्फ ये 10,000 की फ्यूचर वैल्यू मिलेगी, जो भी अमाउंट आएगा वो कुछ अमाउंट इसका आएगा वो यहाँ पे अपने लिख सकते। अब मैं बता रहा हूँ, अच्छा मुझे आप बता दो कि जो नेक्स्ट 10,000 जो यहाँ पे इन्वेस्ट हुए इस पे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 साल, 3 साल, 1, 2 और 3, एंड पॉइंट तो यही है ना, है ना? तो 3 साल, तो इसका कैलकुलेशन अलग से करना पड़ेगा। इसमें आएगा 10,000 इंटू 1.12 रेज टू 3। अच्छा ये जो तीसरे वाले 10,000 ये वाले, इस पे कितने साल का इंटरेस्ट दिख रहा है आपको? 2, 1 और 2, यहाँ पे हो जाएगा सेम फॉर्मूला लेकिन पावर में रेज टू 2। अच्छा ये फोर्थ वाले 10,000, इसमें तो एक ही साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी अपने फॉर्मूला लगा लेंगे रेज टू 1। अच्छा ये आखिरी वाले 10,000 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने साल का? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा, करेक्ट। आपने फिफ्थ ईयर के एंड पे आखिरी दिन पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और यही आखिरी दिन है जिस दिन आप सारा पैसा निकाल लेने वाले हो। ये वैसी बात हो गई कि सुबह इन्वेस्ट किया, दोपहर को विड्रॉ करके वापस ले आए, तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा आपको? कुछ नहीं। तो यहाँ पे 0 ईयर्स का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, वो 10,000 10,000 ही रहेंगे, उसमें कोई इंटरेस्ट एड ऑन नहीं होगा। अब देखो, हमें अगर ये पता करना हो कि ये जो 10 10,000 करके टोटल 50,000 हुआ है उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, तो हमें ऐसा 5 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 5 5 कैलकुलेशन करेंगे, 5 अलग अलग अमाउंट आएंगे यहाँ पे, और ये तो 10,000 ही रहेगा लास्ट वाला। सबको प्लस करेंगे तब जाके आपको वैल्यू मिलेगी, तो प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि इतना। अब ये तो 5 साल का डेटा है, चलो अगर यही 15 साल 20 साल का होता तो कितना कैलकुलेशन करते हैं। इसका होना चाहिए शॉर्टकट फॉर्मूला। उन्होंने क्या किया, जो आप यहाँ पे कर रहे हो ना, ये रेस टू 4, रेस टू 3, रेस टू 2, रेस टू 1 और आखिरी में रेस टू 0, मतलब वो 10,000 ही रहने वाला है। इस चीज का इन्होंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकाला इसी को यूज करके, एंड उन्होंने इसमें यूज किया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी, मीन मीडियन मोड, तो ये उसका तरीका यूज किया है। उसमें एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन करते हैं। एक फॉर्मूला ऐसा बनता है, अगर आप में से किसी ने पढ़ा है तो आपको ध्यान में आएगा, ऐसा एक फॉर्मूला होता यस सर। है। यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके इस कैश फ्लो पे उन्होंने आपके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना दिया। अब वो फॉर्मूला क्या है वो समझते, आपको देखना वैसे ही दिखेगा। जो मैंने अभी लिखा था ना, वो ये था कि जीपी के समेशन का फॉर्मूला, ये आपको कोई नहीं बताएगा, पढ़ाने वाला भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देगा लेकिन आया कहाँ से उसका सोर्स नहीं बताएगा। ये बहुत कम लोगों को पता होता है क्योंकि लोग उस तक जाते ही नहीं, भाई हाँ फॉर्मूला है रटा दो सम कर दो हो गया, क्यों आया, क्यों ये फॉर्मूला लगाया, उसका लॉजिक भी आपको आइडिया हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे कंडीशन भी होती थी, आर इज ग्रेटर देन 1, और अगर आर लेस देन 1 होता है तो उसको उल्टा लिखते हैं, 1 - r^2 n ऐसे करके लिखते हैं। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, इसको ऐसे लिखा है इन्होंने। एन्यूटी, एन्यूटी मतलब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, इन टू 1 i^(n-1)/i। ये फॉर्मूला और जीपी का फॉर्मूला सेम है। अब मैं आपको रिलेट कराता हूँ कैसे। ये जो यहाँ ए लिखा है ना, दिस इज एन्यूटी। अच्छा ये जो नीचे आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आई लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 1 + i - 1, सिर्फ समझने के लिए, तो इफेक्टिवली तो आई है ना, 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, लेकिन उससे आपको फॉर्मूला का फॉर्म दिखेगा। देखो r^(n-1)/r-1 नेट इफेक्ट करके आई लिखा। तो ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे सीख रहे हो, दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज समेशन ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है तो भी कोई इतना बड़ा मैटर नहीं, फॉर्मूला तो एट दी एंड आपको याद करना है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है, एनयूटी इंटू 1 + i^(n-1)/i। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। ये इसका डेरिवेशन मैंने बता दिया कि आया कहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अच्छा अब ये जो फॉर्मूला आपको मैंने दिया है ना, ये भी अच्छे से याद रखना क्योंकि अभी ऐसे 3 और कॉम्बिनेशंस बाकी है। फ्यूचर वैल्यू में एक एन्यूटी ड्यू आएगा, प्रेजेंट वैल्यू में भी एन्यूटी रेगुलर एंड एन्यूटी ड्यू आएगा, उनके फॉर्मूला इसके जैसे ही दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो अगर आपको एक फॉर्मूला ये वाला अच्छे से याद हो गया तो बाकी 3 फॉर्मूला याद करने में मेहनत कम हो जाएगी, वैसे ध्यान रखना। तो पहले आप इसको एक बार समझ लो अच्छे से। अच्छा अब जो अपने वो सम कर रहे थे,
उसको इसके हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। मैं वापस ही लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। ओके, ये तो लिखा हुआ है ही, इतना इशू नहीं है, वो सामने सॉल्व कर लेते हैं। डेटा था ऐसा कुछ, एन्यूटी, एन्यूटी मतलब 10,000 रुपये जो अपन हर साल इन्वेस्ट कर रहे थे, एन्यूटी उसी को बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए उन्होंने बोला 12% पर एनम पे इन्वेस्ट करो और 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहो, और बताओ एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स कितना पैसा मिलेगा। तो मुझे पता है भाई फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है, एन्यूटी रेगुलर है, कुछ बोला नहीं है, अपना फॉर्मूला जो बोला था अभी वही लगेगा, 1 प्लस i रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाई i। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, एन्यूटी का अमाउंट 10,000, 1 प्लस, यहाँ ये गलती मत करना, एन्यूटी में 50,000 मत रख देना, वो तो टोटल इन्वेस्टमेंट है, एन्यूटी मतलब ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 1 प्लस i, i में आएगा आपका 12%, उसको मैं लिख देता हूँ 0.12। टोटल ईयर्स कितने, 5 माइनस 1, और नीचे i, सिर्फ i बोला, i का मतलब क्या होता है, r/100, दैट इज 0.12, ऊपर भी तो ये लिखा था, ये आपका बना फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करके फाइनल वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो ऐसा कुछ दिखेगा, 10,000 × 1.12 रेज टू 5 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 0.12। आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 1.12 रेज टू 5, मैंने आपको बताया था रेज टू 5 वाला कैसे ढूंढना है, तो आप भी वैल्यू निकाल लो, मैं भी निकाल लेता हूँ, देखते हैं। 1.12 × इक्वल टू, power 5 चाहिए तो स्टेप नंबर 6 तक जाना पड़ेगा, ये देखा था हमने, 1.76 2 3 4 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो अमाउंट आ गया तो अब उसमें से आगे का सॉल्विंग कर दो ना, उसमें से -1 कर दो, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है इसीलिए -1, तो हो गया 0.76234 समथिंग डिवाइड बाई 0.12, कर लो डिवाइड, आपका फैक्टर आएगा, ये ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो आएगी 6.35 समथिंग, ऐसा कुछ आ रहा होगा, आ रहा है, तो × 10,000 जो आगे एन्यूटी लिखा है वो × 10,000 कर दो, देखो फाइनल वैल्यू क्या आती है, 6,35,28.47। मनी है, पैसों के टर्म्स में तो 2 डेसिमल तक ही लिखेंगे, उससे ज्यादा लिखेंगे नहीं, दिस इज द वैल्यू 6,35,28.47। इसका मतलब ये जो आपने 50,000 रुपये, क्योंकि आपने 50,000 एक साथ नहीं लगाए, आपने थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट किए, तो जो 50,000 आपने टोटल 10-10 हज़ार करके ऐसे 5 साल में इन्वेस्ट किए, 12% एन्यूलाइज रिटर्न के हिसाब से आपको 5 साल के बाद इतना पैसा मिले। आप बोलोगे सर ये तो बहुत कम है, पर फर्क हो गया ना, यही अगर आप 50,000 एक साथ आज लगा देते और फिर उसका 5 साल बाद ब्याज गिनते तो कुछ अलग गया, क्योंकि वो आपका पैसा पूरा इन्वेस्टेड रहता, ये तो 0 ईयर में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, 1 ईयर में आपका सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट हुआ था, 2 साल होते होते 10 और 10 20 हुआ, फिर 3 साल होते होते 10 10 और फिर उसके बाद वापस 10 30 हज़ार हुआ, तो धीरे धीरे करके इन्वेस्ट हुआ ना, तो इसलिए इंटरेस्ट के उस हिसाब से आपका ग्रो करेगा। तो यूजुअली म्यूचुअल फंड्स जो आप रेगुलर बेसिस पे पे करते हो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट इस तरीके से ही होता है, एंड रिटर्न भी ऐसे ही जनरेट। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट किसी को, ठीक है समझ आया। तो ये पहला फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया, अब एक बार एक फॉर्मूला समझ आ गया ना, तो बाकी की चीज़ें सिर्फ वैल्यू एडिशन है, एक एक स्टेप चेंज होगा और जल्दी रिलेट होगा। देखो बताता हूँ कैसे, सेकेंड फॉर्म या फ्यूचर वैल्यू वाले पार्ट में देखें तो जो उसका थर्ड टाइप है वो देख रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। इसमें पता है फर्क क्या होगा, वो जो टाइमलाइन था ना, टाइमलाइन वापस देख लेते हैं, डेटा सेम ही रखते हैं, 10-10 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ द टर्म 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, आप 10,000 पहला यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये चेंज हो गया, एंड के बदले स्टार्टिंग, दूसरा 10,000 यहाँ पे, तीसरा 10,000 यहाँ पे, फोर्थ वाला यहाँ पे और फिफ्थ वाला यहाँ पे, ये चीज। अच्छा अब आपको समझ में आ जाएगा, डेडलाइन तो अपनी वही है, फिफ्थ ईयर किस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो आप देख लो, यहाँ पे पहले 10,000 पे
आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5 साल का मिलेगा, पहले आपको मिल रहा था 4 साल का, तो 1 साल का इंटरेस्ट आपका बढ़ गया। अच्छा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इस पे 4 साल का, इस पे 1, 2, 3, इस पे 1 और 2, अच्छा इस पे भी 1 साल का मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, हर कैश फ्लो में 1 साल का इंटरेस्ट बढ़ गया। यहाँ पहले आपको 4 का मिल रहा था, यहाँ पहले आपको 3 का मिल रहा था, यहाँ 2 का मिल रहा था, यहाँ 1 साल का, और यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था। ये पुरानी सिचुएशन में था एन्यूटी रेगुलर में, बट एन्यूटी ड्यू होने से हर इन्वेस्टमेंट पे एक एक साल का ब्याज बढ़ गया, ऐसे ही हो रहा है। अब इस चीज को जब हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है वो देख लो। कंसेप्ट तो आपको पता चल गया। फॉर्मूला में उन्होंने बोला कि कुछ नया नहीं करना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू इज इक्वल टू, पहले वही फॉर्मूला लिख दो जो आपने अभी पढ़ा रेगुलर वाला, ठीक है ये वाला, और इसके अंदर एक चीज मल्टीप्लाई कर दो, ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस i रेज टू 1, नॉट n, ओनली 1। 1 इसलिए क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट हर साल बढ़ रहा है, तो आपने देखा 4 का 5 हो गया, 3 का 4 हो गया, वैसे करके। तो टोटल में भी अगर आप 1 साल का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अभी पता है आपने पिछले एग्जाम्पल में ये वाला पोर्शन तो सॉल्व किया ही था, वो 63,528.47 उतने तक तो आ ही गए थे। अच्छा आप उसी में मल्टीप्लाई कर दो 1.12, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नया नहीं करना, सीधा इस अमाउंट के अंदर ले लो 1.12, आपकी वैल्यू आ जाएगी 71,151.89, दिस इज द फाइनल वैल्यू। एक स्टेप छोटा सा ऐड कर दिया 1 प्लस i, नया फॉर्मूला बन गया। इसलिए मैंने बोला कि एक फॉर्मूला पे आप थोड़ा फोकस कर लो, फर्स्ट वाले पे, सेकंड थर्ड फोर्थ उसी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके बन जाएगा, नए फॉर्मूला की तरह इसको नहीं देखना है। रटो कम समझ के ज्यादा पढ़ो, जितना आप लॉजिक लगा लोगे उसमें मेहनत एक ही बार है, नेक्स्ट टाइम आपको उसमें मेहनत नहीं करनी, ठीक है। सर डन, ये हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। बोलो यहाँ तक कोई क्वेरी, कुछ नहीं समझ आया, क्लियर है? ओके सेकेंड पार्ट हो गया है। अब इसके बेसिस पे जो सम्स है मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे थे, फ्यूचर वैल्यू आपका कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, आपको सम्स एक बार कोशिश कर लें, जैसे एग्जांपल नंबर 25 है वो आपका बन जाएगा। और भी देख लेते हैं, हाँ एग्जाम्पल नंबर 26 यहाँ पे लिखा होता है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ ₹500, तो इससे समझ आ जाता है कि ये ₹500 बार बार इन्वेस्ट होने वाले हैं, और एक अगर एन्यूटी वर्ड नहीं लिखा है तो फिर वन टाइम कैश फ्लो वो अपना डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो उससे हिंट मिलता है और कुछ नहीं। 27 भी आप कोशिश कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगा, डेसिमल्स पे थोड़ा ध्यान रखना लिख के सॉल्व करना, कंफ्यूजन ना हो जाए। ये देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू ये मैंने आपको समझा दिया, वो लास्ट में 1 प्लस i मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आ जाएगा एग्जांपल 28, ठीक है ये भी बन जाएगा। अब इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, मैं थोड़ा प्रेजेंट वैल्यू आज लेने में इंटरेस्टेड नहीं होने, तो फिर दो और दो चार फॉर्मूले हो जाएंगे, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। अगर अपने एक पार्ट आज पहले आप सम्स के साथ सॉल्व कर लो तो फिर बाकी का अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे तो भी चलेगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि एग्जाम्पल्स खत्म कर लो, एंड देन जो फ्यूचर वैल्यू के सम्स एक्सरसाइज में हो वो आप ले लो, ये प्रेजेंट वैल्यू, सिंकिंग फंड, लीजिंग, ये सब अभी कुछ काम का नहीं, लास्ट में देख लेंगे। वैल्यूएशन अच्छे कंसेप्ट है लेकिन एंड में पढ़ेंगे, अभी टाइम। एक्सरसाइज ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे ना वो सब इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। ये सब तो एक्चुअली आप CA IPCC इंटर में और फाइनल में पढ़ते हो, उसका भी रेलेवेंस थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, एक सेकेंड MCQ हो जाएगा,
फिफ्थ हो जाएगा। सिक्स्थ कर सकते हो आप, ये भी हो जाएगा सॉल्व। सेवेंथ, इलेवेंथ, सब फ्यूचर वैल्यू के ही दे रहा हूं। ठीक है, 4D जो एक्सरसाइज है वो तो चैप्टर के एंड में करेंगे जब पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें मिक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी है, वो भी लास्ट में देखेंगे पूरा चैप्टर सीखने के बाद। बस तो मेरे हिसाब से आज इतना काफी है, फ्यूचर वैल्यू एक बार आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जल्दी कोई है नहीं, अननेसेसरी कंफ्यूजन करके उसको मिक्सअप नहीं करना। तो आप पहले ये पूरा प्रैक्टिस करके फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लो, एप्लीकेशन सीख लो, कल के लेक्चर में अपने फिर प्रेजेंट वैल्यू वाला जो कंसेप्ट है वो सीख के दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो सब इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं वैसा। हाँ नैन्सी कुछ पूछ रही थी। सर, अगर अभी टाइम हो तो मेरे को कल के कुछ डाउट्स थे वो मैं पूछ लूँ, वो कल अटेंड नहीं कर हाँ हाँ वो पाई पूछ लो, पेशेंट का। पूछ लो पूछ लो, अभी टाइम है तो खत्म कर लेते हैं। बोलो। हाँ सर एग्जाम्पल 12 में डी वाला एग्जांपल, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 4.12। एग्जाम्पल 12, इसमें डी वाला मंथली वाला कैलकुलेशन। डी हाँ हाँ सर, मंथली। सर इसमें प्रॉब्लम बस यही है कि हम रेस टू जब 24 कर रहे हैं तो इन्होंने पूरा नंबर लिखा है जितना भी आया है 2209, हम सिर्फ 22 ले रहे हैं तो आंसर पूरा फिर डिफर कर रहा है वो 2438 समथिंग हाँ पॉइंट। वो थोड़ा डिफर हाँ करेगा बिकॉज आपके पीछे का तो फ्रैक्शन। ऐसे एमसीक्यूज में भी फिर कॉम्प्लिकेट कर सकते। इसमें पता क्या होगा, आपके पास कैलसी होगा तो आप ट्राई करो कि कैलसी पे जो पूरी वैल्यू है ना फुल वैल्यू ले लो, तो आपका आंसर नियर अबाउट आएगा। और वैसे भी इंस्टीट्यूट जनरली ऐसा बोलता है कि अगर आप कैलसी का फुल अमाउंट नहीं मिल रहे हो तो एटलीस्ट आप 4 डेसिमल प्लेसेस का तो यूज करो ऐसे क्वेश्चन में। तो अगर आप ले भी रहे हो तो आपको फिर 1.2202 तो एटलीस्ट लेना ही चाहिए, या फिर कोई उसको राउंड ऑफ करके 1.2203 करके ले लेता तो उसके आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है ऐसा। तो आप कोशिश करो कि 4 डेसिमल प्लेसेस यूज करो या फिर कैलसी का फुल अमाउंट लो तो बेस्ट आंसर आएगा। 2 डेसिमल में वेरिएशन बढ़ जाएगा वो होगा। ठीक है और कुछ? हाँ सर, एमसीक्यू एक्सरसाइज 4A के एमसीक्यू 6 और 7। सिक्स और सेवन। सिक्स में प्रिंसिपल है 10,000, इंटरेस्ट है 2,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, आपको नंबर ऑफ इयर्स बताना है। वैसे तो आंसर मेरा ऑलरेडी आ रहा है, 2 इयर्स आना चाहिए, बाकी प्रेजेंटेशन करके भी देख लेते हैं। क्योंकि उन्होंने आपको बताया कि टोटल इंटरेस्ट जो आया है वो 2,500 रुपये है, ड्यूरेशन खाली मिसिंग है। 10,000 इंटू 12.5 और इंटू एन इज मिसिंग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आ जाना चाहिए। तो एन शुड बी इक्वल टू 2,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 10,000 डिवाइड बाई 12.5, और 12.5 को अगर 125 बना देते हो तो 1 10 ऊपर और आ जाएगा। ऐसे करके गिन सकते हैं, 1 2 3, ये 3 गए, एक और गया, ये 125 1s 125 2s आ रहा है, 2 ईयर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कौन सा बताया? सिक्स के बाद और कोई है?
सेम ही है, 7 भी उसी के रिलेटेड। इसमें क्या हुआ, इसमें अमाउंट दे रखा है। रेट आपने 12.5 ले लिया ना, मतलब हाफ। ये अमाउंट दे रखा है उन्होंने, और ये मैं प्रिंसिपल। फ्रैक्शन ले रही हूँ ना, तो उससे फिर। अच्छा, नहीं, फ्रैक्शन मत लो। या तो 25/2 करना पड़ेगा, अगर आपने फ्रैक्शन लिया है ना, तो आपको लेना पड़ेगा 25/2, 12 × 2 = 24 + 1। तो हाँ, वही लिया। आंसर तो आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, वो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में मिस्टेक कर दी होगी। जैसे अगर आप 25/2 ले रहे हो, तो ऐसे लिखा जाएगा वो 10,000 × 25/2 और नीचे 100 और (n), ये करना पड़ेगा। अगर ऐसे करोगे तो बन जाएगा। मैथ्स है, प्रेजेंटेशन के तरीके तो अलग अलग हो ही सकते हैं। और ये हो जाएगा 10,000 और नीचे 25। अब देख लो, आंसर तो आएगा ही। आ गया 25, 25 कट, 2 ही बचेगा खाली, तो भी आ रहा है। और सेवेंथ वाला सेम ही है। सेवेंथ वाले में खाली उन्होंने क्या अमाउंट दे रखा है 10,200, अच्छा, तो आपको पहले उसमें से प्रिंसिपल हटा के इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। बस वो एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी का यस सम सर, सेम। ठीक अब है, और कोई? ये तो अपन ने किया था, नहीं एट सर, वाला। थैंक ठीक यू। है, डन, ओके। चलो, तो आज अपने मैथ्स के सेशन में फिर यहीं पे एंड करते हैं, इतना रखते हैं। बाकी अगला सेशन इसके बाद स्टार्ट करते हैं।